वेलकम बैक टू माई चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू क्राइटेरियन एंड नॉर्म रिफरेंट टेस्ट। तो मैं जो है ये सिलेबस असेसमेंट फॉर लर्निंग का है और ये वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का मतलब कि ये है पूरा। और भी मतलब कि अगर ये टॉपिक ये असेसमेंट फॉर लर्निंग अगर आपका पेपर है तो आप मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, नोट्स मतलब काम आएगी आपको। तो क्राइटेरियन रिफरेंट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सीआरटी, द टर्म सीआरटी वॉज फर्स्ट यूज बाय रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा 1963 में टर्म सीआरटी यूज हुआ था पहली बार। दोज टेस्ट आर यूज टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सेट ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे क्या होता था ना, जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है ना वो एक क्राइटेरिया जो रहती है वो डिफाइन की जाती थी, उस क्राइटेरिया से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता था, इवेल्युएट किया जाता था, मतलब जज किया जाता था। क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर अ स्टूडेंट हैज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज आर स्किल। ठीक है, क्राइटेरिया रिफरेंट टेस्ट के बेस पे स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था कि स्टूडेंट्स के पास वो स्पेसिफिक स्किल्स है, कॉम्पिटेंसीज है कि नहीं। दिस टेस्ट इंटेंड टू एंसर अ क्वेश्चन सच एज इज दिस चाइल्ड एबल टू स्ट्रक्चर सेंटेंस ऑफ फाइव आर मोर वर्ड्स आर एड आर सब्ट्रैक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, जैसे कोई भी क्लास रहती है ना तो उस क्लास की क्राइटेरिया सेट होता था ना कि इस क्लास का बच्चा है तो उसको इतना तक नंबर आना चाहिए, इतना तक टेबल आना चाहिए, ये मतलब कि दो नंबर वाले एडिशन करने चाहिए, दो चार नंबर वाले सब्ट्रैक्शन करने चाहिए। तो हर एक क्लास की क्राइटेरिया तय रहती थी कि बच्चे को इतना आना चाहिए, इस क्लास के हिसाब से बच्चे का इतना वो मतलब क्राइटेरिया रहता था। द फोकल पॉइंट ऑफ यूजिंग दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्राइटेरियन बिहेवियर। ठीक है, मतलब कि जो क्राइटेरियन बिहेवियर है उस बच्चे में प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इस टेस्ट का फोकल पॉइंट ये रहता था। इन शॉर्ट, हियर द इंडिविजुअल इज कंपेयर्ड विद सम एस्टैब्लिश क्राइटेरिया रादर देन अदर इंडिविजुअल। देखिए यहाँ एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कंपेयर नहीं किया जाता था, जैसे कि दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चे मार्क्स पाए तो दोनों को कंपेयर किया जाए कि वो बच्चा 80% लाया तो वो 60% लाया तो उसके मुकाबले ये बच्चा तेज है वो बच्चा नहीं। यहाँ पे क्राइटेरिया रहती थी कि भाई इतना परसेंट है, अगर इतना परसेंट तक बच्चा पाया है तो बच्चा अच्छा पढ़ने में है, अगर इतना परसेंट से नीचे है तो बच्चा अच्छा नहीं। तो यहाँ एक क्राइटेरिया डिसाइड रहती थी, उस क्राइटेरिया पे बच्चे को पहुँचना रहता था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीआरटी, इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर द स्टूडेंट अचीवमेंट ऑफ करिकुलम बेस्ड स्किल्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के जो करिकुलम बेस्ड स्किल्स थे उनको मेजर करने के लिए यूज होता था। ठीक है, जैसे कि करिकुलम मतलब कि जैसे कोई जैसे कि बच्चे की कोई जैसे स्किल्स है, कोई क्राफ्ट में कोई स्किल है तो उसको देखा जाता था कि बच्चा ये काम कर ले रहा है कि नहीं। जैसे कि बच्चे जैसे किसी को मेहंदी लगाने आती है, ठीक है, तो उसको देखा जाता था कि मेहंदी एक क्राइटेरिया बना लेता था कि अगर ये इतनी परफेक्ट मेहंदी लगा लेता है तो वो उस स्किल्स में माहिर है। ठीक है, उसकी क्राइटेरिया वो वहाँ पे है कि वो परफेक्ट मेहंदी लगा पाता है कि नहीं। ठीक है, इट प्रिपेयर फॉर पर्टिकुलर ग्रेड आर लोअर लेवल। ठीक है, ये ज़्यादातर किसी पर्टिकुलर ग्रेड या लोअर लेवल के लिए यूज किया जाता है सीआरटी। इट हैज़ बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होता है ऑब्जेक्टिव और गोल का। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम लोग आफ्टर या बिफोर इंस्ट्रक्शन के एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। इट इज यूज टू इवेल्युएट द करिकुलम प्लान इंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस एंड ग्रुप स्टूडेंट इंट्रैक्शन। ठीक है, फिर आता है यूजेस ऑफ सीआरटी। सीआरटी के क्या यूजेस है, टू डिस्कवर द इनएडिक्वेट इन लर्नर्स लर्निंग एंड असिस्ट।
द वीकर सेक्शन ऑफ लर्नर टू रीच द लेवल ऑफ अदर स्टूडेंट थ्रू अ रेगुलर प्रोग्राम ऑफ द रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे कि एक क्राइटेरिया के बेस पे क्या रहता था, हम लोग जो वीकर बच्चे थे उनको पहचानते थे। ठीक है, तो उनको पहचानने के बाद क्या होता था, जैसे कोई क्लास है, क्लास में अगर पेपर हुआ, पेपर होने के बाद एक क्राइटेरिया तय की गई कि 70%, ठीक है, 70% से नीचे जो बच्चे आए हैं वो वीकर सेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, उनको वीकर माना जाएगा, तो उन पे जो टीचर है वो अलग से मेहनत करेगा, उनके अंदर क्या चीज़ें हैं, किस पे काम किया जाए जिससे बच्चा जो है वो उसकी परसेंटेज, उसकी परफॉर्मेंस है वो सुधरे। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द मास्टर लर्नर एंड नॉन मास्टर लर्नर इन क्लास। ठीक है, ये हेल्प करता था मास्टर लर्नर, जैसे अगर एक क्राइटेरिया तय है कि 90% जो ला रहा है, 90% के अबव ला रहा है या 90% जो ला रहा है वो मास्टर लर्नर्स में आएगा, और 90% से जो नीचे ला रहा है वो नॉन मास्टर लर्नर्स में आएगा। क्लास में मास्टर लर्नर्स और नॉन मास्टर लर्नर्स में को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है CRT। एंड नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ अटेनमेंट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन, टू फाइंड आउट द लेवल एट विच पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैज बीन लर्न। ठीक है, फॉर बेटर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट एट डिफरेंट ग्रेड लेवल, टू मेक इंस्ट्रक्शनल डिसीजन ऑफ वॉट टू डू विद द लर्नर इन इंडिविजुअली प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या रहता था कि इसमें यही है कि एक क्राइटेरिया तय की गई है, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे, ठीक है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे जो बच्चे मार्क्स स्कोर करते थे उस बेसिस पे बच्चों को वो आइडेंटिफाई किया जाता था, उन पे काम भी किया जाता था। ठीक है, तो टोटल ये CRT का यूज है। लिमिटेशन ऑफ CRT, According to the Chase in 1974, CRT tells only whether a learner has to reach proficiency in take area, but does not show how good or how poor learner's level ability. ठीक है, CRT में क्या होता था, जैसे कोई लर्नर है ये तो पता चल जाता था कि हाँ भाई वो उसने इतना, मतलब उस टास्क में, उस एरिया में उसने उतना अचीव किया। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है 70% क्राइटेरिया है, उसने पहले 60% स्कोर किया, ठीक है, फिर उसके ऊपर काम किया गया, उसके टीचर ने काम किया, अब वो बच्चा जो है फिर सेकंड टेस्ट देता है, सेकंड टेस्ट में उसने जो है 70 जो क्राइटेरिया उसको क्रॉस कर गया। ठीक है, क्रॉस किया, बट इसमें ये नहीं बताया ना कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, बुरा लर्नर है उसमें, मतलब कि उस एरिया में, उस टास्क में। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको मतलब कि जो पहले वाला पेपर है उसने जो दिया उसमें वो, मतलब उस सब्जेक्ट में वो अच्छा है, उसको मतलब कि वो सब्जेक्ट आता है, बट जो पेपर में आया था वो नहीं आता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो CRT हमें ये नहीं बता सकती कि वो बच्चा या वो पर्सन उस एरिया में, उस टास्क में अच्छा है या बुरा है। ठीक है, बस एक क्राइटेरिया बताता है कि हाँ भाई उसने मतलब कि क्राइटेरिया से नीचे किया तो पुअर है, उस क्राइटेरिया से ऊपर किया तो गुड है। टास्क इंक्लूडेड इन द टेस्ट में बी हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय गिवन टीचर इंटरेस्ट आर बायस लीडिंग टू जनरल वैलिडिटी प्रॉब्लम। ठीक है, जो टास्क रहते थे मतलब कि मिलते थे, टेस्ट जो मिलते थे क्लास में, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते थे बाई टीचर्स इंटरेस्ट, मतलब टीचर्स का जैसा इंटरेस्ट रहता था, बायस का जैसा इंटरेस्ट रहता था, उसके बेसिस पे मतलब कि वो टेस्ट जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते थे, जिसकी वजह से जो वैलिडिटी प्रॉब्लम आती थी। दिस टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंस एजुकेशनल अचीवमेंट। रहता है नॉन रेफरेंट टेस्ट NRT। NRT is used for comparing achievement of examinee to that of the large representative group of examinee at same grade level. ठीक है, इसमें क्या होता था, जैसे कोई बच्चा है, मतलब पूरी क्लास है, क्लास में कोई बच्चा है, उसने मतलब स्कोर किया, कितना स्कोर किया, 100 में से 60 स्कोर किया, 60%। ठीक है, अब उसमें क्या होता था, इसमें क्राइटेरिया नहीं रहती थी,
कितना क्राइटेरिया से ऊपर गया या नीचे गया। इसमें क्या रहता था, इसमें रहता था कि जितने बाकी बच्चों ने दिया है उसके मुकाबले उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, बाकियों से कंपेयर किया जाता था। कोई क्राइटेरिया यहाँ नहीं रहती है। द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप इज नोन एज नॉन ग्रुप, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप से हम लोग कंपेयर करते हैं किसी इंडिविजुअल्स को, उसे हम लोग नॉन ग्रुप कहते हैं। दिस ग्रुप मे बी मेड अप ऑफ एग्जामिनी ऑफ लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव या ग्रुप्स बने रहते हैं वो लोकल लेवल के एग्जामिनी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी हो सकते हैं, स्टेट लेवल के भी हो सकते हैं, नेशनल लेवल के भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एनआरटी आर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, दे आर प्रोड्यूस बाय द कॉमर्शियल टेस्ट प्रोफेशन, ठीक है, ये एक्सपेंसिव होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। फिर आते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ एनआरटी। इट इज़ ए बेसिक पर्पज टू मेजर स्टूडेंट अचीवमेंट इन करिकुलम बेस्ड स्किल, ठीक है, ये बेसिकली जो है करिकुलम बेस्ड स्किल्स जो रहते हैं उनको मेजर करने में हेल्प करता है। इट प्रिपेयर फॉर पर्टिकुलर ग्रेड लेवल, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रेड लेवल के लिए, मतलब जो सेम ग्रेड है उसी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना, तो पर्टिकुलर ग्रेड लेवल के लिए ये प्रिपेयर होता है। ऐसा नहीं है ना कि अगर एक ग्रेड का थर्ड क्लास का बच्चा है तो उसको हम लोग फिफ्थ क्लास के बच्चे से कंपेयर करेंगे, नहीं ना, तो सेम ग्रेड लेवल के लिए, पर्टिकुलर ग्रेड लेवल के लिए बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर फॉर्मिंग होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस क्लास ग्रुप, ठीक है, ये यूज किया जाता था। होमोजेनियस मतलब जिसमें सेम तरह के बच्चे हो, या हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें डिफरेंट काइंड के बच्चे हो, उनके क्लास ग्रुप बनाने में हेल्प करता था। इट क्लासीफाइड अचीवमेंट एज एबव एवरेज, एवरेज आर बिलो एवरेज फॉर गिवन ग्रेड, ठीक है, इसको अचीवमेंट जो रहते थे वो क्लासीफाई होते थे एवरेज, एवरेज मतलब एबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज में ग्रेड्स को क्लासीफाई किया जाता था। इट इज जनरली रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटाइल रैंक, लीनियर स्टैंडर्ड स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर एंड इक्विवेलेंट स्कोर, ठीक है, जनरली इन्हें जो है हम लोग परसेंटाइल रैंक, लीनियर स्टैंडर्ड स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर और इक्विवेलेंट स्कोर में हम लोग मतलब शो करते थे। यूजेस ऑफ एनआरटी, एनआरटी क्या यूजेस रहते हैं, इट इज यूजफुल इन एप्टीट्यूड टेस्टिंग फॉर मेकिंग डिफरेंशियल प्रेडिक्शन, एप्टीट्यूड टेस्टिंग में यूजफुल होते हैं। यूजफुल टू गेट रिलायबल रैंक ऑर्डरिंग ऑफ स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू द अचीवमेंट वी मेट मेजरिंग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को मतलब रैंक के अकॉर्डिंग जो है रिलायबल, ये जो रैंक्स रहते थे वो रिलायबल होते थे और उनके अकॉर्डिंग हम लोग उसे ऑर्डर, स्टूडेंट्स को ऑर्डर में रख सकते थे, ठीक है, कि जैसा वो उन्होंने अचीवमेंट में परफॉर्मेंस की अपने टेस्ट में। इट इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु हैज़ मास्टर्ड द एसेंशियल फॉर कोर्स मोर देन अदर्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे जो मास्टर्ड है उस कोर्स में, ठीक है, बाकी के मुकाबले। यूजफुल इन सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्राम आर वोकेशन। इट इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट हाउ इफेक्टिव अ प्रोग्राम इज इन कंपेरिजन टू अदर पॉसिबल प्रोग्रामर। फिर आते हैं लिमिटेशन ऑफ एनआरटी। एनआरटी आइटम्स डेट आर एंसर्ड करेक्टली बाई द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन टेस्ट बिकॉज ऑफ देयर इन एडुकेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स वेरियंस। दिस इज अ लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस इन बिटवीन वॉट द टेस्ट मेजर्ड एंड वॉट द स्ट्रेस्ड इन रीजनल करिकुलम। नॉर्म रेफरेंस प्रमोट अनहेल्दी कॉम्पिटिशन इन इट इंजरियस टू सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लो स्कोरिंग स्टूडेंट, ठीक है। एक तरह से नॉर्म रेफरेंस देखा जाए तो इसकी लिमिटेशन ये है कि ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन देता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर स्कोरिंग स्टूडेंट्स रहते थे उनको हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स से कंपेयर किया जाता है, उनको उनके साथ काफ़ी मतलब गलत चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को मेंटली बहुत वीक महसूस करने लगते हैं, ठीक है, और मतलब डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो ये एनआरटी के डिप्रेशन है, लिमिटेशंस है। फिर आते हैं डिफरेंस बिटवीन एनआरटी एंड सीआरटी, ये पूछा जाता है एनआरटी और सीआरटी में डिफरेंस क्या है। नॉर्म डिफरेंट टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज कंपेयर विद अदर स्टूडेंट, ठीक है, एनआरटी में स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। इन क्राइटेरिया में क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज कंपेयर अगेंस्ट सम सेट स्टैंडर्ड, ठीक है, यहाँ क्राइटेरिया सेट होती है, उस क्राइटेरिया से हम लोग कंपेयर करते हैं।
इट गिव्स पोजिशन एमंग द ग्रुप, ठीक है, जितने ग्रुप है उसमें पोजिशंस देते हैं ना, तो यहाँ कंपेरिजन हो रहा है तो पोजिशन होगा ना कि पहला पहले नंबर पे कितना है, दूसरे नंबर पे कितना है, तो पोजीशन के हिसाब से कंपेयर होगा ना कि हाँ वो फिफ्थ नंबर पे है, मतलब कि मतलब अभी फिफ्थ पोजीशन वो पीछे है पहले नंबर के मुकाबले, तो यहाँ इस तरह कंपेरिजन होता है और पोजीशन मिलता है। इट टेल हाउ स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म, ठीक है, ये बताता है कि स्टूडेंट उसने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, परसेंटाइल रैंक गिवन, यहाँ परसेंटाइल रैंक निकलता है। परसेंटाइल रैंक क्या होता है, वो पूरे ग्रुप में जो टॉप स्टूडेंट है, जो टॉप उसने निकाल मतलब कि परसेंट पाया है, उसके बेसिस पे परसेंटाइल रैंक निकलता है। और यहाँ परसेंटेज यूज किया जाता है सीआरटी में। एम्फेसाइज डिस्क्रिमिनेशन एमंग इंडिविजुअल्स, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। एम्फेसाइज डिस्क्रिमिनेशन एमंग द परफॉर्मेंस, यहाँ पे परफॉर्मेंस में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। एनआरटी में मतलब एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल से कंपेरिजन होता है, ठीक है, एक दूसरे से। और यहाँ एक सेट क्राइटेरिया से कहते हैं कंपेरिजन होता है, वो भी किसका, परफॉर्मेंस का कंपेरिजन होता है। इट इफेक्ट्स अदर परफॉर्मेंस, दूसरे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसने मतलब कि पहले टेस्ट में कम मार्क्स पाया एज कम्पेयर टू टॉपर, ठीक है, या तो कह लीजिए उसका जो फ्रेंड है उसके मुकाबले उसने टेस्ट पे कम मार्क्स पाया, ठीक है, तो वो क्या होता है, अपने घर जाता है, ठीक है, उसके घर वाले, अब भाई पूछे कि भाई तुम्हारे दोस्त ने कितना पाया, इतना पाया, और तुमने इतना पाया, दोनों ने साथ में पढ़ाई, क्यों तुमने इतना पाया, ठीक है, तो उसको मेंटली जो है वो मतलब घर वाले जो है उसने और दबा दिए, ठीक है, मोटिवेशन नहीं मिला और दबा दिए, तो उसकी जो अदर परफॉर्मेंसेस वो इफेक्ट पड़ गए। इट डजंट अफेक्ट अदर परफॉर्मेंस, की अदर परफॉर्मेंस में इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया डिसाइड रहती है, उस क्राइटेरिया से वो कंपेयर होता है। ए नो प्री डिटरमाइंड सेट, यहाँ प्री डिटरमाइंड हम लोग नहीं कर सकते हैं कि इतना भाई आ सकता है। इट हैज़ प्री डिटरमाइंड सेट, यहाँ प्री डिटरमाइंड होता है। इट डजंट क्लियर मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ हम लोग मास्टरी मतलब किसी सब्जेक्ट में मास्टरी है कि नहीं वो हम लोग नहीं बता सकते। इट क्लियरली मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, अगर उस क्राइटेरिया को वो बच्चा पार कर जाता है मतलब कि वो उस सब्जेक्ट में मास्टरी पा चुका है, ठीक है, हम लोग मास्टरी बता सकते कि वो स्टूडेंट मास्टर्ड है उस सब्जेक्ट में कि नहीं। इट ओनली गिव फाइनल जजमेंट, ठीक है, डायरेक्ट फाइनल जजमेंट दिखता है। इट हेल्प टू टेकिंग रिमेडियल मेजर्स, ठीक है, ये रिमेडियल मेजर्स दिखता है, ठीक है। तो ये एनआरटी सीआरटी मैंने ख़त्म करा दी, एनआरटी सीआरटी पर बस इतना ही है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और भी अगर वीडियो आपको चाहिए होगा, नोट्स चाहिए होगा, पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।